वहीं केंद्र सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पूरे देश में उस दिन यानी 25 जून 1975 की बात आपातकाल लागू किया था और बहुत लोगों को जेल में बंद किया गया था, उस समय एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया था कि जिसमें संविधान की हत्या हो गई थी। मुझे लगता है कि जिन लोगों पर यातनाएं हुई थी उनको सम्मान मिला है। इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उस दिन इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश के ऊपर और बहुत लोगों के ऊपर, हजारों लोगों के ऊपर जातनाएं उस समय करी गई। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, जेल के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण उस समय तैयार किया गया था कि जिसमें डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई थी। और आज उनके ही जो डिसेंडेंट है वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है, एक बार नहीं बार बार हुई है। यहाँ तक के संविधान के जो मूल आत्मा है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है इनके द्वारा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर जातनाएं हुई थी, आज उनको सम्मान मिला, उनके आत्माओं को आज बहुत लोग दिवंगत हो गए हैं, वो तो नहीं रहे जिनके ऊपर मीसा लगी थी, अत्याचार हुआ था, तो वो लोग के ऊपर एक सम्मान है कि इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप से मनाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेगी कि ऐसी संविधान की हत्या हुई थी और इन लोगों के हाथ में कभी सत्ता चली गई, निरंकुश क्षमता आ गई, तो ये फिर से ऐसे कर सकते हैं।